बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के 7 दिन पूरे हो चुके हैं और भारत अभी तक 20 मेडल अपने नाम कर चुका है। भारत की झोली में अभी तक 6 गोल्ड के अलावा 7-7 सिल्वर व ब्रोंज मेडल आ चुके हैं। इसके अलावा 7वें दिन भारत के लिए मुक्केबाजी में भी 6 मेडल पक्के हो गए हैं। अगर 7वें दिन के नतीजों पर नजर डालें तो हॉकी से बैडमिंटन तक कई स्पर्धाओं में भारत को इस दिन जीत मिली है। आइए एक एक करके जानते हैं 7वां दिन कैसा रहा। 7वें दिन का अंत भारत के लिए सुखद हुआ और भारत की झोली में एक गोल्ड मेडल की बढ़ोतरी हो गई। पैरा पावर लिफ्टर सुधीर ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए इन खेलों का 6ठा गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले 3 गोल्ड भारत को वेटलिफ्टिंग, एक महिला लॉन बॉल टीम और एक पुरुष टेबल टेनिस टीम ने जीता था। भारत के एथलीट मुरली श्रीशंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों की एथलेटिक्स प्रतियोगिता की पुरुष लॉन्ग जंप स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने वेल्स को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। वेल्स के खिलाफ हुए मुकाबले में हरमनप्रीत सिंह ने गोल की हैट्रिक लगाई, जबकि 4था गोल गुरजंत सिंह ने किया। भारत की आकर्षि कश्यप ने बैडमिंटन वुमेन सिंगल्स राउंड ऑफ 32 में पाकिस्तान की शहजाद महूर 22-20 8-1 से हराया। पाकिस्तानी शटलर महूर इंजरी के चलते दूसरा गेम पूरा नहीं कर सकी, लिहाजा आकर्षि को 2-0 से विजेता घोषित किया गया। भारत की स्टार महिला शटलर पीवी सिंधु ने वुमेन्स सिंगल्स में जीत के साथ आगाज किया है। उन्होंने राउंड ऑफ 32 में मालदीव की फातिमा नबाहा को सीधे गेम्स में 21-4 21-11 से हराया। किदांबी श्रीकांत ने मेंस सिंगल्स के अपने राउंड ऑफ 32 मुकाबले को सीधे गेम्स में जीत लिया है। भारतीय शटलर ने इस मुकाबले में युगांडा के डेनियल वानागालिया को 21-9 21-9 से हराया। गुरुवार को हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में भारतीय मुक्केबाजों ने भारत के लिए 3 और पदक को पक्का दिया। खेलों के 7वें दिन सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले मुक्केबाज हैं अमित पंघाल, जैस्मिन लेम्बोरिया और सागर। इन तीनों मुक्केबाजों से पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में भारतीय महिला मुक्केबाज निखत जरीन ने 50 किलोग्राम वर्ग व नीतू घणघस और मोहम्मद सहमुद्दीन ने भी अपने अपने वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली थी। भारतीय महिला हैमर थ्रो एथलीट मंजू बाला ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वो क्वालिफाइंग राउंड में 59.68 मीटर की दूरी के साथ स्टैंडिंग में 11वें स्थान पर रही। भारत की स्टार फर्राटा धाविका हिमा दास गुरुवार को यहां राष्ट्रमंडल खेलों की 200 मीटर स्पर्धा में अपनी हीट में 23.42 सेकंड का समय निकालकर पहले स्थान पर रही, जिससे उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारत की श्रीजा अकुला ने वुमेन सिंगल्स राउंड ऑफ 32 में मलेशिया की कैरेल लीन को 12-10 12-10 4-11 11-8 से हराया। भारत के शरद कमल और श्रीजा अकुला की जोड़ी ने मिक्स डबल्स राउंड ऑफ 32 में उत्तरी आयरलैंड के ओवन कैथकार्ट और सोफी अर्ली को 11-7 11-8 11-9 से हराया। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।